हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आपसे भी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के लिए जो मैंने रीजनिंग का क्रैश कोर्स बनाया है, ये उसका पार्ट फोर है। और इससे पहले जो मैंने तीन वीडियो रीजनिंग की, तीन मैथ की और तीन साइंस की अपलोड की है, उनकी सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। वहाँ से जाके आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आपको उन सभी वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो पहला लिंक आपको टेलीग्राम का होगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को बताइएगा। बेल आइकन को ऑन रखिए, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। मैथ का 2 से 3, रीजनिंग का 9 से 10 और जीके का लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को 11 बजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अगर समझ में आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला जो चैप्टर है आपका, कथन और पूर्व धारणा वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एएलपी टेक्नीशियन की अगर बात की जाए तो यहाँ से आपके 5, 6, 7 क्वेश्चन तक भी पूछे गए और आगे भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ग्रुप डी के एग्जाम में मतलब। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना चाहिए और ये वीडियो तो पूरी एंड तक देखनी चाहिए और फिर इसके बाद क्वेश्चन ट्राई करिएगा अपनी बुक से, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कथन दे रखा है, संवैच्छिक संगठनों को मदद करने के लिए मंत्रालय ने एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, एक सरकारी सूचना है। तो यहाँ से आप कथन से क्या समझे, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिए कि आप इससे समझे क्या है। यहाँ पे संवैच्छिक संगठनों को मदद करने के लिए मंत्रालय ने एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, इसका मतलब संवैच्छिक संगठनों को मदद की आवश्यकता होगी तभी मंत्रालय ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की होगी, समझे आप इस चीज़ से इतना। तो पूर्व धारणाएं देखते हैं क्या क्या दे रखी है, फिर उसके उससे रिलेट करके देखेंगे कि कितना रिलेट करते हैं पूर्व धारणाएं। संवैच्छिक संगठनों को ऐसे मदद की आवश्यकता नहीं होती है। आप मुझे ये बताइए पूरे इससे हम क्या समझे कि संवैच्छिक संगठनों को मदद की आवश्यकता होगी और मंत्रालय ने आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी, ठीक है, की है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा भाई। अगर इनको आवश्यकता नहीं होती, संवैच्छिक संगठनों को मदद की आवश्यकता नहीं होती, तो ऐसा सरकारी सूचना में क्यों लिखा जाता, ठीक है ना, समझे आप इस चीज़ को। तो ये तो गलत हो जाएगा, तो ये क्योंकि हमारे कथन से रिलेट नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पे दूसरा है, सरकार पहले संवैच्छिक संगठनों की मदद नहीं कर रही थी। तो आपको ये कहाँ से पता चल सकता है कि संवैच्छिक संगठनों की मदद कर रही थी, नहीं कर रही थी, कथन से भाई। कथन में तो फिर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। देखिए, जो चीज़ आपको नहीं बताई गई है उसको तो एकदम डिस्कार्ड कर देनी है भाई। मदद कर रही थी या नहीं कर रही थी, इसके बारे में पहले संवैच्छिक सरकार जो है पहले संवैच्छिक संगठनों की मदद कर रही थी या नहीं कर रही थी, इन दोनों ही चीज़ का हमें नहीं पता है, तो इसके बारे में हम कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं, कोई भी कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको 10% भी समझ में आया तो अभी पूरी वीडियो को देखेगा, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कथन दे रखा है, मंत्री जी ने कानपुर में अपने समस्त कार्यक्रम रद्द कर दिए और वे वायु मार्ग से राजधानी चले गए। एक समाचार है, आपने हमेशा देखी होगी हेडलाइन वे न्यूज में कि कुछ लिखा रहता है, उसी तरीके से कथन दिया गया और उसमें लिख दिया गया एक समाचार, ठीक है। तो पूर्व धारणा क्या दे रखी है यहाँ पे, ऐसे समाचार हमेशा मुख्य शीर्षक होते हैं। तो किसने बोला कि हमेशा, इन्होंने बोला हमेशा, ये अगर यहाँ पे लिखा होता कि ऐसे समाचार मुख्य शीर्षक हो सकते हैं तो वो तो आपका राइट हो सकता था एक टाइम पे, बट यहाँ पे लिखा ऐसे समाचार हमेशा मुख्य शीर्षक होते हैं, तो आपको यहाँ पे हमेशा वाला वर्ड को ध्यान रखना है तो, और इसको कट कर देना है, ठीक है। हमेशा मुख्य शीर्षक होते ऐसे नहीं हो सकते हैं। और दूसरी बात, पहली बात तो ये, दूसरी बात यह है कि इसका कोई मतलब भी नहीं है कथन से। कथन में क्या बोला गया कि मंत्री जी ने अपने समस्त कार्यक्रम रद्द किए और वे वायु मार्ग से राजधानी चले गए, तो इसका कहीं कोई मतलब है कि वो मुख्य शीर्षक बना न्यूज़ या नहीं बना, एक समाचार है, ठीक है, मुख्य शीर्षक का कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं बनाया। फिर नेक्स्ट बोला गया, कानपुर और राजधानी के बीच वायु संपर्क है, तो ये हम बोल सकते हैं क्योंकि जब मंत्री जी ने कानपुर में अपने समस्त कार्यक्रम रद्द करके गए, वो वायु मार्ग से गए हैं, ठीक है, तो कानपुर और राजधानी के बीच में वायु मार्ग होगा तभी तो मंत्री जी वायु मार्ग से गए हैं, तो इसका मतलब सेकंड वाला राइट हो जाएगा, कानपुर और राजधानी के बीच वायु संपर्क है, समझ गए आप इस चीज को। देखिए, इन छोटी छोटी सी बातों को पकड़ के चलिएगा और आप 100% इन क्वेश्चन को सही करके आएंगे, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है, तो सेकंड वाला आपका राइट हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए साथ साथ में ना, मेरे साथ साथ में क्वेश्चन थ्री है, ठीक है, इसको आप ट्राई करके देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके, और फिर आप इस तरीके से ट्राई करेंगे तो आपको अपनी मिस्टेक का भी पता चलेगा कि मैं आपको जैसे मैं फिर उसके बाद बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये करना है और क्या कहाँ किस लेवल का आपको सोचना है, तो आपको थोड़ी बहुत अपनी गलती भी पता चलेगी कि मैं क्या गलत सोचता हूँ, ठीक है। चलिए फिर
आशा करता हूँ कि आपने ट्राई कर लिया होगा वीडियो को रोक करके। कथन दे रखा है, जिन्हें प्रोत्साहित किया जाता है वे बच्चे सामान्यतः अच्छा प्रदर्शन करते हैं। एक प्रधान अध्यापक की ओर से अभिभावक को सूचना। अब यहाँ पे क्या इंडिकेशन दिया गया है, देखिए एक बार वो पढ़ता हूँ मैं। जिन्हें प्रोत्साहित किया जाता है वे बच्चे सामान्य अच्छा प्रदर्शन करते हैं, एक प्रधान अध्यापक की ओर से अभिभावक को सूचना। यानी अभिभावक को बताया जा रहा है कि अगर बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा तो वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ठीक है, समझ गए आप। एक प्रधान अध्यापक ने अभिभावक को, पेरेंट्स को ये बोला है कि जो बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, वो कहीं पे भी हो सकता है, एग्जाम में और किसी भी फील्ड में हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे पूर्वधारणाएं क्या दी गई है, अब उसके अकॉर्डिंग देखते हैं सोच करके। कुछ अभिभावक बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, तो बिल्कुल सही हो सकती है चीज। कैसे हो सकती है भाई, प्रधान अध्यापक जो होगा, प्रिंसिपल जो होगा, उसने अभिभावक को क्यों इस चीज को बोला होगा, क्योंकि कुछ जो अभिभावक होते हैं, कुछ पेरेंट अपने बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, तभी तो बोला होगा। अगर सभी अभिभावक अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते तो ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती ना, ठीक है, समझ गए आप इस चीज को। तो इसका मतलब पहले वाला राइट हो जाएगा। दूसरे वाला है, अभिभावक प्रधान अध्यापक की सलाह का पालन कर सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल दी है इसमें, पालन कर सकते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये राइट हो जाएगा इसकी वजह से, पालन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रधान अध्यापक ने अभिभावक को सूचना दी है तो क्यों दी होगी कि वो पालन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बोला जाता कि पालन करते हैं तो तब ये राइट नहीं होता, क्योंकि कोई जरूरी बात थोड़ी है कि प्रधान अध्यापक की बात को सभी अभिभावक पालन करेंगे, पर पालन कर सकते हैं, ठीक है, तो पालन कर सकते हैं, इसलिए प्रधान अध्यापक ने इस चीज की सूचना दी है अभिभावक को, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें दोनों के दोनों राइट आपके ये हो जाएंगे पूर्वधारणाएं, और राइट आंसर क्या होगा, दोनों पूर्वधारणाएं आपकी सही हो जाएंगी, ठीक है। आशा करता हूं कि अभी आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो मुझे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा बताइएगा और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, ठीक है, इसको ट्राई करके और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका, ज्यादा से ज्यादा बच्चे, ठीक है। यहाँ पे बोला गया, कथन बोला गया, साफ वर्ण के लिए रिया कोल्ड क्रीम इस्तेमाल कीजिए, एक विज्ञापन। आपने बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे, कुछ इसी तरीके का एक विज्ञापन है ये, कि साफ वर्ण के लिए रियो कोल्ड क्रीम इस्तेमाल कीजिए। पूर्वधारणा यहाँ पे क्या क्या है, लोग साफ वर्ण के लिए क्रीम का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। भाई अगर पसंद करते हैं तभी जाके ये रियो कोल्ड क्रीम बनी होगी, अदरवाइज तो मतलब ही नहीं होता। अगर किसी चीज़ को कोई पसंद नहीं करता है तो उस चीज़ को ना ही बनाने की आवश्यकता पड़ती है, नहीं उसकी एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि उसको तो कोई पसंद करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे साफ वर्ण के लिए रियो कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, यहाँ पे बोला है कि लोग साफ वर्ण के लिए क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रियो कोल्ड क्रीम का बात नहीं है, क्रीम का, सिर्फ क्रीम की बात की गई है, क्रीम का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पसंद करते होंगे तभी एक कंपनी आई रियो कोल्ड क्रीम और उसने बताया कि हम जो हमारी कोल्ड क्रीम को इस्तेमाल करेगा उसके साफ वर्ण हो जाएंगे, समझे आप इस चीज़ को। तो इस्तेमाल करना पसंद करते होंगे, ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, लोग विज्ञापन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं, ठीक है, सॉरी, अनुक्रिया दर्शाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है ये भी। अगर एडवर्टीजमेंट जो कराए जाते हैं उनका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है, मान लीजिए अभी जैसे ये बोला गया साफ वर्ण के लिए रियो कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, एक विज्ञापन कराया गया है, अगर इसका कोई फायदा ही ना हो और इसका, इस विज्ञापन का कोई अनुक्रिया ही ना करे, तो इसका मतलब ये बेकार हो जाएगा। तो इसका मतलब लोग विज्ञापन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं, तो इसलिए इस विज्ञापन किए जाते हैं, तो इसका मतलब ये भी आपका राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करिएगा, ठीक है। कथन दे रखा है, ये क्वेश्चन 5 है भाई, ठीक है, मैंने ऊपर क्वेश्चन डालना भूल गया, क्वेश्चन नंबर, कार्यालय भवन की उतनी ही शीघ्रता से मरम्मत कराने की जरूरत है जितनी की उसकी बाहरी और भीतरी रंगाई की आवश्यकता है। एक कथन दिया गया है कि कार्यालय भवन की उतनी ही शीघ्रता से मरम्मत कराने की जरूरत है जितनी की उसकी बाहरी और भीतरी रंगाई की आवश्यकता है। पूर्वधारणा क्या दी गई है, कार्यालय के कर्मचारियों की सक्षमता तब तक नहीं बढ़ाई जा सकती
जब तक कि भवन की मरम्मत ना कराई जाए, तो यार ये तो बिल्कुल ही आप भी समझ गए होंगे कि बिल्कुल अंतर मतलब ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सक्षमता का तो कोई मतलब ही नहीं है। कथन कुछ और बोल रहा है और पूर्व धारणाएं में इन्होंने कुछ और बोला है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। सक्षमता का तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया है, तो इसका मतलब ये तो राइट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ भवन की उतनी ही शीघ्रता से मरम्मत करने की जरूरत है जितनी की उसकी बाहरी और भीतरी रंगाई की आवश्यकता है। यहाँ पे तो मरम्मत करने की बात की जा रही है, सक्षमता की कहाँ से बात आ गई, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर कथन में बात किसी और चीज की जा रही है और पूर्व धारणा में कुछ और बात की गई है, तो उसको तो एकदम हटा देना है, उसको तो एक सेकंड के लिए सोचना भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, कार्यालय भवन की मरम्मत और रंगाई हेतु धनराशि की आवश्यकता है। अब ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें कथन में जो दिया गया है हमें उसके हिसाब से सोचना है, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है कि वहाँ पे पैसे की जरूरत होगी, रंगाई और इसमें मरम्मत में किस भवन के धनराशि की आवश्यकता है या नहीं है, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। कथन में बोला गया है कि मरम्मत की जरूरत है और उतनी जरूरत है जितनी उनकी बाहरी और भीतरी की रंग की आवश्यकता है, रंगाई की आवश्यकता है, तो इसका मतलब ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी राइट नहीं होगा। तो दोनों ही ऑप्शन इसमें गलत हो जाएंगे, ये कोई सा भी राइट नहीं होगा। आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे अब चीज़ों को। देखिए, कथन में अगर जो बोला गया है आपको उसके हिसाब से ही सोचना है, उससे एक्स्ट्रा लेवल का नहीं सोचना है, कि उससे बाहर जाके कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसे कथन में जो बोला गया बिल्कुल डायरेक्ट तो आपको कुछ नहीं दे दिया जाएगा कि कार्यालय भवन में पेंटिंग चल रही है, कुछ ऐसा डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा, कुछ ना कुछ घुमा के जरूर दिया जाएगा, पर वो घुमा के आपको सोचोगे जब उसके बारे में, तो वो कथन से जरूर रिलेट करेगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं बीच बीच में लेके आता रहूंगा, अभी इस वीडियो को और देखते हैं आगे कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कथन दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्राई करिएगा आप भी खुद भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कथन है, अपने कार्यालय में समय की पाबंदी लाने के लिए हमें अपने कर्मचारियों को यात्रा भत्ता देना चाहिए, एक कंपनी का इंचार्ज क्रमिक प्रबंधन से कहता है, ठीक है। क्या बोला गया एक बार और पढ़ देता हूँ, अपने कार्यालय में समय की पाबंदी लाने के लिए हमें अपने कर्मचारियों को यात्रा भत्ता देना चाहिए, तो इसका मतलब इससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला होगा, तभी बोला गया है, ठीक है। समय की पाबंदी लाने में कुछ ना कुछ इसका योगदान रह सकता है, इसलिए बोला गया है एक इंचार्ज क्रमिक प्रबंधन से, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्व धारणाएं देखते हैं क्या क्या है। समय की पाबंदी लाने में यात्रा भत्ता सहायक नहीं होगा, तो हमें एक मैंने बोला ना पॉजिटिव वे में सोचना है, तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कथन में तो बोला गया है कि अपने कार्यालय में समय की पाबंदी लाने के लिए हमें अपने कर्मचारियों को यात्रा भत्ता देना चाहिए, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका मतलब होगा, तभी बोला गया है, तो इसका मतलब समय की पाबंदी लाने में यात्रा भत्ता की सहायक नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कथन के अकॉर्डिंग यानी कि सहायक है, तो नहीं वाला तो कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, पॉजिटिव पूरा सेंटेंस है, कथन पॉजिटिव है, तो स्टेटमेंट जो आपका कंक्लूजन होगा निगेटिव आ सकता है, ऐसी बात नहीं कि हमेशा नहीं आएगा, बट यहाँ पे आपको ये सोचना है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया गया है, इसके अलग लेवल नहीं सोचना है आपको जाके। यहाँ पे बोला गया कि अपने कार्यालय में समय की पाबंदी लाने के लिए हमें अपने कर्मचारियों को यात्रा भत्ता देना चाहिए, तो इसका मतलब अगर आप यात्रा भत्ता देंगे तो पाबंदी समय में पाबंदी आ जाएगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको सोचना है कि ये सही है, इसलिए ही ये बोला गया है, और यहाँ पे अगर जो भी इसके अगेंस्ट बोला जाएगा वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये इसके अगेंस्ट बोला गया कि समय की पाबंदी लाने में यात्रा भत्ता सहायक नहीं है, तो ये गलत है, ये इसके अगेंस्ट है कथन के, ठीक है, तो ये तो राइट नहीं होगा। नेक्स्ट आपका अनुशासन और पुरस्कार साथ साथ चलने चाहिए। अब ये कहाँ से बात आ गई, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुशासन और पुरस्कार का तो कोई मतलब ही नहीं है ना इस पूरे कथन, और कथन में आपको कहीं लगा कहीं पे अनुशासन और पुरस्कार की बात की गई हो, तो जिसकी बात नहीं की जाती उसको तो वैसे ही हटा देते हैं, ठीक है। तो दोनों ही आपके राइट नहीं होंगे। आशा करता हूँ कि अब आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल गई होगी और बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी कथन और पूर्व धारणा वाले चैप्टर में, कि कैसे कैसे आपको सोचना है और किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आप उनको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कथन, देखिए 7 है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। किराए पर एक कार चाहिए, एक विज्ञापन। तो यहाँ पे पूर्व धारणा है, देखिए इससे आपको क्या समझ में आया कि किराए पर कार मिलती होगी, इसलिए बोला गया है कि किराए पर एक कार चाहिए, ठीक है, एक विज्ञापन है। पूर्व धारणा, सभी प्रकार के वाहन किराए पर मिलते हैं। तो भाई कथन में कहीं पे ऐसा बोला गया कि सभी प्रकार के वाहन किराए पर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते। देखिए हो सकता है मिलते होंगे,
बट कथन के अकॉर्डिंग तो नहीं मिलते, ठीक है ना। कथन में तो सिर्फ कार की बात की गई है, तो हमें कार की बात करनी है, हमें बाइक और सभी प्रकार के वाहन की बात नहीं करनी है। ये छोटी सी बात आप समझ लीजिए, कथन में जितना बोला जाए हमें उसके हिसाब से वर्क करना है, ना कि अपने हिसाब से। आपको भी पता है कि अभी इस आप एकदम से आपका दिमाग चले और आप सोचे कि यार बाइक भी मिलने लगी है, साइकिल भी मिलने लगी है, और कार भी, बस भी, तो सब कुछ मिलता होगा, तो इसका मतलब ये राइट हो जाएगा। तो किराए पर हमें सभी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। कथन में अगर दिया होता कि सभी वाहन किराए पर मिलते हैं एक विज्ञापन, तो तब आप इसको राइट कर सकते थे, ठीक है ना। तो यहां पे हम इसको राइट नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके इससे रिगार्डिंग हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट बोला गया लोग विज्ञापन का जवाब देंगे, तो बिल्कुल सही बात है, ये राइट कर देंगे, क्योंकि लोग विज्ञापन का जवाब देंगे तभी तो ये विज्ञापन कराया गया है। अगर कोई विज्ञापन का जवाब नहीं देगा तो विज्ञापन कराए क्यों जाएंगे, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, लोग विज्ञापन का जवाब देंगे इसलिए ही विज्ञापन कराए जाते हैं। तो किराए पर एक कार चाहिए, एक विज्ञापन जो है इसका लोग जवाब देंगे, इसलिए ही ये राइट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर करिएगा, और टाइमिंग को नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं टाइम पे बिल्कुल एग्जैक्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 2 से 3 होता है आपका मैथ की वीडियो, जिसमें 3 बजे ही मिलती है। मोस्ट ऑफ द केसेज यही हो रहता है कि आपको मैथ की वीडियो 3 बजे मिल ही जाती है। फिर रीजनिंग की 9 से 10 के बीच में अगर बात की जाए, 9:30 के ऊपर आपकी वीडियो डेली अपलोड हो रही है, और 11 बजे जो लाइव टेस्ट चलता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइमिंग इनको नोट कर लीजिए। प्लस अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक सबसे पहला नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, फिर उस लिंक को खोलेंगे तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा। या फिर आप टेलीग्राम को डाउनलोड करके टॉपिक स्टडी भी सर्च कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PDF के लिए बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं और PDF मैंने अपलोड कर दिया, अब बताइए मैं कैसे आप तक पहुंचाऊं उसको। तो आपको टेलीग्राम एक साधन है जो आप उसको ज्वाइन करके और वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपने आज की वीडियो पूरी देखी होगी और उसको वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा। अगर लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।